बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया किदवई नगर थाने का घेराव। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए कार्यकर्ता पहुंचे किदवई नगर थाने। शालिनी यादव और फैजल की शादी को बताया लव जिहाद। लव जिहाद के चलते हुआ शालिनी का धर्मांतरण। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये बताते हुए क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह को दिया ज्ञापन। एक हमारी शालिनी यादव बहन है जिसके साथ में फैजल नाम के विधर्मी व्यक्ति ने लव जिहाद का कार्य किया है और उनके परिवार के सभी विधर्मियों ने हमारे हिंदू परिवार के साथ लव जिहाद का कार्य कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। उनको ऊपर का एक उनका मौलाना उनको एक वक्तव्य देता है कि जो है आपको 72 नूरों की जो है जन्नत मिलेगी और आप जाकर मुस्लिमों को जाकर आकर्षित करिए और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के लव जिहाद करिए, जिसमें से हमारे कानपुर जिले की हमारी बहन शालिनी यादव के साथ भी ऐसा कार्य हुआ है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, लड़की अपनी मर्जी से कह रही है कि हमने धर्म परिवर्तन किया, हमने शादी किया, हम खुद फिजा फातिमा बने, फिर क्या दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं, ये ब्रेन वॉश करते हैं। जो विधर्मी हैं वो अपना नाम शमीर, जीतू, अजय और हाथों में कलावा बांध के और शरीरों में हमारे धार्मिक टैटू जो है बुधवाए कर हमारी हिंदू बहनों के पास जाते हैं और उन्हें बहला फुसला कर बरगला कर उन्हें अपने साथ में उत्साहित करते हैं, जिससे वो अपने परिवार जो आप बात बता रहे हैं कि कलावा बांध के जाते हैं, लेकिन उसने साथ साथ वीडियो में बोला कि पिछले 6 साल से मैं उस लड़के को जानती हूँ और उसने आज जो वीडियो वायरल किया उसने साफ साफ बोला है कि मैंने कोई लव जिहाद नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है और मैं पिछले 6 साल से उस लड़के को जानती हूँ। नहीं नहीं, ये लव जिहाद ही है, ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, ये प्रेम प्रसंग नहीं है, ये माइंड को जो है ये लोग जो है खंडित करके हमारे हिंदू बहनों का माइंड खंडित करके उनको बहला फुसला कर ये प्रेम प्रसंग में फंस कर लव जिहाद ही करते हैं। ये लव जिहाद है। अभी कुछ समय पहले पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दिशा निर्देश जो है नोटिफिकेशन जारी किया था जिसपे अभी मेरे पास है, बोलते रहे जिसपे गैर मुस्लिम शादियां वैध नहीं है। आप लोगों को भी सभी हमारे आदरणीय भाइयों को भी जानकारी होगी। तो ये जो है केवल हिंदू समाज की जो जनसंख्या को कम करना और इस्लामीकरण को बढ़ावा देने का कार्य चल रहा है, जिसको विश्वेंदु प्रसाद बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी बहन को पुनः अपने घर वापसी कराएगा। आज आप लोग कहाँ पर आए, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को यहाँ पे? मैं किदवई नगर थाना क्षेत्र के जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने मुझे आश्वासन